Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all are fine. Today we are going to solve the book exercise of our first unit, Light in the Night. आज हमने इसका दूसरा हिस्सा करना है. पहला हम कर चुके हैं एंड होपफुली आपने पहले वाला जो पार्ट है बुक एक्सरसाइज का वो बहुत अच्छे से लर्न करके लिख लिया होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन इज मेक थ्री कॉलम्स एंड सॉर्ट द वर्ड्स आउट इनटू ग्रुप्स. नेम द थ्री कॉलम्स नाउन्स एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. ठीक है, ये हमने तीन कॉलम्स बनाने हैं और हमने उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा नाउन्स का, दूसरा हमारा बनेगा एडवर्ब्स का और तीसरा हमारा बनेगा कॉलम एडजेक्टिव्स का. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द नाउन्स. एज यू नो नाउन इज द नेमिंग वर्ड. ठीक है, किसी भी जगह चीज या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं. ठीक है, और इसी तरह एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. यानी कि वर्ब के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो एडवर्ब देता है बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ठीक है, और एडजेक्टिव, एज यू ऑलरेडी नो एडजेक्टिव इज अ गुड और बैड क्वालिटी ऑफ अ नाउन. ठीक है, किसी भी चीज की अच्छी या बुरी सिफ्त को जाहिर करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं. बुक में आपको ये एक्सरसाइज इस तरह से दी गई है. आपने इसको सॉल्व करके थ्री कॉलम्स में आपने लिखना है, जो कि हम अब करेंगे. सबसे पहला कॉलम हमने नाउन्स का बनाया है, जिसमें आ जाता है फैमिली, खानदान, बुली. आपको पता है बुली मतलब किसी का मजाक उड़ाने वाले को या टांग खींचने वाले को कहते हैं. होमली का मतलब है सिंपल बट कूजी एंड कंफर्टेबल, जैसे कि किसी को अपने घर जैसी फीलिंग आती हो. ठीक है, टैली आ करंट स्कोर और अमाउंट, यानी मौजूदा जो स्कोर है वो और या अमाउंट. ठीक है, फॉली लैक ऑफ गुड सेंस, यानी आप इसको फुलिशनेस भी कह सकते हैं, बेवकूफी. पर्ली ये एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है और ये एज अ नाउन भी यूज होता है. पर्ली किंग्स एंड क्वींस, हर मम एंड डैड हैड बीन पर्लीज. ठीक है, इस तरह से ये नाउन में यूज होगा और इट इज ऑल्सो यूज एज एन एडजेक्टिव लाइक नाइस पर्ली टीथ. ठीक है, जब हमने किसी के दांतों को कहने के लगते हैं कि बिल्कुल उसके दांत जो है मोतियों जैसे लग रहे हैं. ठीक है, चिली, एज यू नो चिली मिर्च को कहते हैं. ठीक है, नाउ अब हमारा कॉलम है एडवर्ब्स का. एडवर्ब्स में सबसे पहले आएगा अर्ली जल्दी, पुअरली अनसेटिस्फेक्टरी, ग्रिमली मीन सीरियस ग्लूमी और डिप्रेसिंग यानी उदास, एक्टिवली चुस्ती से. ठीक है, बेयरली फेयरली, बेयरली का मतलब ऑलमोस्ट नॉट. ठीक है, फेयरली मुनसिफाना तरीके से, मेनली बुनियादी तौर पर, केयरफुली मोहतात अंदाज से, गेली खुशी से, ड्यूली इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इज रिक्वायर्ड और अप्रोप्रियट, यानी जो आपका तय हुआ था उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, फ्रेंडली कॉस्टली कीमती, और बुली स्टेटली. ठीक है, नाउ आवर थर्ड कॉलम इज एडजेक्टिव्स. फ्रेंडली दोस्ताना, कॉस्टली कीमती, चिली मतलब वो जैसे एक्सट्रीमली कोल्ड और हिली पहाड़ी, होली मुकद्दस, करली बाल जो होते हैं. ठीक है, स्टेटली इसमें आ जाएगा इम्प्रेसिव और ग्रैंड. ठीक है, यानी कि ग्रैंड इन साइज हो सकता है, इन अपीयरेंस हो सकता है और इन मैनर हो सकता है. सिली बेवकूफ, बुली अगेन यानी कि जो टांग खींचने वाला, अर्ली जल्दी. ठीक है,
These are all adjectives. Students, you can also take screenshot of this picture. And आज आपकी डायरी ये है कि आपने इस बुक एक्सरसाइज को अच्छी तरह याद करके अपनी लूज शीट्स पर लिखना है और इसको चेक करना है. ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.